बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत होंगे। वेलकम करता हूँ आपको अपने YouTube चैनल वन न्यूज़ में। दोस्तों, नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर हुए हैं, तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, चैनल को लाइक करें। से फायदा ये होगा कि नई वीडियो जैसे हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन टाइम पर पहुँचेगा और आप कमेंट्स भी कर पाएंगे, उसका जवाब भी हम दे पाएंगे। आज की वीडियो बहुत अहम है, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ेगा कि UAE विजिट वीज़ा ताज़ा तरीन अपडेट। तो आज हम इस मौजू पर बात करने वाले हैं, टेम्पेस्ट के बगैर चलते हैं न्यूज़ अपडेट की तरफ। देखिए, बहुत से लोगों के सवाल आ रहे हैं कि हमने अबू धाबी और दुबई और शारजा से विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई किया है, लेकिन शारजा से तो लग रहे हैं लेकिन अबू धाबी और दुबई से वीज़े में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। देखें, अगर आप इत्तेहाद एयर थ्रू के ज़रिए अगर आप अप्लाई करेंगे दुबई या अबू धाबी से, तो आप लोगों का वीज़े का जो प्रोसेस है वो जल्दी सबमिट हो जाएगा, क्योंकि अभी विज़िट का जो प्रोसेस है वो अभी इमिग्रेशन ने काम करना शुरू कर दिया है। बहुत से लोगों के सवाल यही आ रहे थे कि हमारा वीज़ा जल्दी सबमिट नहीं हो रहा और क्या किया जाए। देखें, हमने आपको पहले भी बताया था, आज फिर बता रहे हैं कि अगर आप इत्तेहाद एयरवेज की तरफ से अगर आप अप्लाई करेंगे दुबई से या अबू धाबी से या शारजा से, तो आप लोगों का विज़िट वीज़ा जल्दी लगेगा, यानी कि एक हफ़्ते के अंदर अंदर लग जाएगा, कोई इशू नहीं बनेगा। बहुत से लोगों के यही सवाल आ रहे थे, तो आज की बहुत अहम इन्फॉर्मेशन थी, सोचा कि आप लोगों को बता दें। और जिन कंट्री पर बैन था उनके भी ओपन हो